आजाद मैदान पर 5 दिनों से अनशन पर बैठे आरोग्य विभाग के कंत्राटी कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इन सभी कर्मचारियों की जो जायज मांग है कि अगर हम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तो हमें किस आधार पर नौकरी में परमानेंट नहीं किया जा रहा है। भारत देश का यह कानून है कि कोई नेता अगर नगर सेवक के पद पर रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़े एवं जीत जाए तो क्या उसे नगर सेवक के पद पर ही बिठाया जाएगा या उसे विधानसभा में भेजा जाएगा। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते। यदि हमारे कर्मचारियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है तो हमें भी हमारा अधिकार मिलना चाहिए। इसी प्रकार पूना से जिला के हिताप अधिकारी सलील पाटिल एवं आरोग्य संचालक डॉक्टर चिंचोलीकर महाराष्ट्र शासन की ओर से इन आंदोलनकारियों को मिलने पहुंचे थे। इस दौरान हिताप जिला अधिकारी का क्या कहना था ये जानते हैं। नहीं, क्या है, जिस जिले से उन्होंने एग्जाम दिए गए हैं, पहली बात यह है कि हर एक जिले में एडवर्टाइज दिया था, हर एक जिले में हर एक को भरने का अधिकार था, फॉर्म भरने का। अभी जो आदमी, जो कैंडिडेट जिस जिले में जिले से एग्जाम दिया है, वो जिस जिले से पास हो गया है, तो उसका अधिकार उधर उस जिले में रहता है। तो इसीलिए जो रोस्टर रहता है वो उधर फिलफिल हो गया, लेकिन दूसरे जिले में उसका अधिकार नहीं पहुंचता। क्यों? कि उसने जो एग्जाम दिया है वो जिले में दिया है। फॉर एग्जाम्पल परभनी में दिया है, परभनी में जो रोस्टर था वो फुलफिल हो गया, अभी दूसरे बीड जिला बाकी का जिले में वो रोस्टर वैकेंट रह गया, तभी उनका हक नहीं पहुंचता क्योंकि उन्होंने एग्जाम नहीं दिया उधर। जिस तरह आंदोलनकारियों का कहना है, वो बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि नागपुर के सभी कैंडिडेट को नौकरी दे दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो भेदभाव नहीं है। उधर तो रोस्टर जो खाली था, उधर कैंडिडेट जितने उपलब्ध थे उतने फुलफिल हो गए, भर गए सब। इसका मतलब ये नहीं कि उधर पार्टी से ऐसा ये वो गया। उधर का जो वैकेंसी पोजीशन थी, वो वैकेंसी पोजीशन जितने कैंडिडेट थे उतने पास हो गए, उतने वो सब कैंडिडेट एब्सॉर्ब हो गए, उनको नौकरी मिल गई। वो बाकी के जिले में क्या हुआ, जितने कैंडिडेट जितना रोस्टर है, जितना वैकेंसी है, उसके ऊपर जो पास हो गए, जितने कैंडिडेट मेरिट में बैठ गए, उतना वो ये फुलफिल हो गया, बाकी के वंचित रह गए ना। तो अभी एक शासन की तरफ ये प्रस्ताव जो है, जो वैकेंसी है वो भरने के लिए इनक्रीजी मांगे है, वो शासन की तरफ भेज दिया है। इतने जो धोरणात्मक निर्णय है, वो धोरणात्मक निर्णय लेने के बाद ही उनके उस पर कार्रवाई हो जाए। इसी तरह ज्येष्ठ कामगार नेते के आंदले जी का कहना था कि अब ऐसी बात है कि आरोग्य विभाग में जो डायरेक्टर ने, ज्वाइंट डायरेक्टर ने जो प्रस्ताव भेजे वाला है, अभी जो कई पोस्ट शिल्लक है, जो रिक्त है, वो पोस्ट के ऊपर इनको लेने के लिए अधिवेशन में फाइनल होने वाला है। 90 दिन काम करे वाले वो वहाँ तक लोगों को देने का इन्होंने एक आदेश भी निकाल दिया है। और वो हिसाब से जो खुले जगह है जहाँ जहाँ जिले में, तो इनको स्टेट लेवल की एक यादी बना के वो लेवल से जहाँ जहाँ जिले में जगह रिक्त है वहाँ अपलोड करने का है। ऐसा गवर्नमेंट का धोरण है, ये पूरा धोरण डायरेक्टर ने आणि जॉइंट डायरेक्टर ने माननीय प्रधान सचिव आरोग्य विभाग यांच्याकडे पाठवलेला आहे। 2 महिन्यापूर्वी 3 महिने पाठवले, त्यावर अद्यापही निर्णय प्रधान सचिवांनी घेतला नाही, गव्हर्नमेंटने घेतला नाही। परंतु एका विभागामध्ये नागपूरमध्ये म्हणजे 90 दिवसापर्यंत जेवढे मंडळी होती त्यांना सगळ्यांनाच समावेशन केलं, पण इतर जिल्ह्यामध्ये ती प्रक्रिया तशीच प्रलंबित राहिलेली आहे। आमची असं म्हणणं आहे, ऐसे बात है कि जो जैसा नागपुर में करे वैसा पूरा विभाग में इनका सबको भी समावेशन करना चाहिए, ऐसा हमारा एक मांगे है। इसलिए गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी निर्णय लेके अपना ताबड़तोब ये लोगों को समावेशन करो। जब तक ये लोगों का समावेशन होता नहीं, जब तक ये लोग आजाद मजल से उठने वाले नहीं, टेम आया तक कुछ भी करेंगे, आत्मदहन भी करेंगे, ऐसा निर्णय ये लोगों ने दिया। कैमरामैन नागेश के साथ विक्रम सिंह टुंडीर, SCN TV न्यूज़, मुंबई।